मादक पदार्थ नहीं पीना चाहिए, मादक मैंने नशीला पदार्थ नहीं पीना चाहिए, इसमें हानि छोड़ के लाभ कुछ भी नहीं है। लेकिन आदमी पीता है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जा, संगत में आके पीता है, तो इससे हानि क्या क्या है बताते हैं। सबसे पहले तंबाकू को देखते हैं, तंबाकू युक्त जितने भी चीज है सब में देखे, इसमें निकोटीन नामक जहर पाया जाता है जो तंबाकू के पौधे के जड़ में बनता है और पत्ती तक जाता है, और इसमें जो निकोटीन पाया जाता है यही सबसे जहरीला पदार्थ है। अगर शुद्ध, ऐसा देखा गया है कि शुद्ध निकोटीन 4 बूंद अगर लेकर घोड़े को पिलाया जाए, घोड़े मैंने हॉर्स पावर से तुलना किया गया है मशीन को, तो हॉर्स एक हॉर्स एक 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP तो 1 HP ताकत होता है, अगर उस तरह के घोड़े को पिलाया जाए 4 बूंद तो स्पॉट डेथ कर जाएगा, इतना जहरीला होता है तंबाकू। सोचिए कितना खतरनाक चीज है जिसको हम लोग खाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है, बहुत आदमी जो खाता है खैनी, जो खाते रहता है, खैनी भी कहते हैं इसको, तो खैनी खाता है तो यहाँ पर इस सेल को डैमेज कर देता है, सेल को डैमेज करता है और सेल उसका जो है खुरदुरा हो जाता है। अगर उसमें ग्रोथ हो गया, इरेगुलर ग्रोथ हो गया तो ट्यूमर आ गया तो कैंसर है, बचा नहीं सकता है, फिर दौड़ते धूपते फिर पछतावा छोड़ के कुछ हाथ नहीं करता, इसलिए इसको खाना फायदा नहीं है। इसका जो है तंबाकू का निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है कि नहीं खाना चाहिए। इसके बाद है गांजा, ये भी पीने से बहुत लोग पीता है, बहुत आनंद आता है पीने वाले को, 2-4-10 आदमी बैठा हुआ है पी रहा है, यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और फेफड़े में जाकर फेफड़े में चला जाता है, और वह जो है उसका धुआं गांजा और सिगरेट के साथ दोनों के साथ देखिए, उसमें जो है हेमोग्लोबिन जो रहता है वह दूषित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन गांजा जब या सिगरेट पी रहे हैं तो उसके साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रहा है, और फिर कार्बन निकल रहा है, ऑक्सीजन मात्रा कम जा रहा है, इसलिए वह पूरे लंग्स को चौपट करके रख देता है, और उसके बाद पूरे शरीर में हेमोग्लोबिन को भी दूषित करके रख देता है। आने वाले समय में तो फिर क्या होगा कहना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है शराब, इथाइल अल्कोहल इसको कहते हैं, पीने में पीता है जो आदमी इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल यही है, तो ये पीने से क्या होता है, ब्रेन जो है ब्रेन को अवसन्न कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, कुछ भी कर बैठेगा आदमी उसको पता नहीं चलेगा, सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है इथाइल अल्कोहल। कभी कभी सुनते हैं कि अल्कोहल पीने से बहुत आदमी मर गया ग्रुप का, उस समय क्या होता है इथाइल के बदले में मिथाइल अल्कोहल सप्लाई जब हो जाता है तो वो मिथाइल अल्कोहल घातक होता है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन उसी मिथाइल अल्कोहल में को डाइल्यूट करके बनाते हैं जिसमें प्रिजर्व किया जाता है जीव जंतु को, तो वो कितना घातक है तो वो हम लोग ही जानते हैं, पीने वाला तो क्या जानेगा, वो तो आवेश में आके पीता है आनंद लगता है, लेकिन इथाइल पीना ही नहीं चाहिए, इथाइल के बदले मिथाइल वो तो और घातक होता है, इथाइल भी नहीं पीना चाहिए, कोई फायदा नहीं है इस पर पीने से, इसमें हानि छोड़कर लाभ कहीं नहीं है, कहीं नहीं देखते हैं लाभ।